आरक्षण बिल पर भूपेश बघेल का बड़ा बयान, राज्यपाल क्यों नहीं कर रहे हस्ताक्षर, भूपेश ने कहा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट, टीएस देव ने कहा। नए वेरिएंट को लेकर अस्पतालों में मॉकड्रिल, कोविड संबंधी उपकरणों को परखा गया। खनन माफियाओं पर प्रशासन का हंटर, एसडीएम की कार्रवाई से मचा हड़कंप। कुएं में गिरने से भालू की मौत, देर से पहुंची वन विभाग की टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी को आरक्षण देने पर इतनी अड़चने क्यों आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने इस बिल को अपने पास रखा है, वो उसे पास नहीं करना चाहती। अगर उन्हें बिल पास नहीं करना तो या तो वो बिल वापस करें या राष्ट्रपति को भेज दे या फिर अनंत काल तक अपने पास रख ले। उनके पास और कोई चौथा विकल्प नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष इतने बड़े मुद्दे पर राजनीति करके बच्चे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो जनता के बीच में सीधा सीधा वो विलेन बनना नहीं चाहते थे, लेकिन पीछे दरवाजे से राजभवन के माध्यम से सब खेल कर रहे हैं। प्रदेश के कभी भला चाहती नहीं भारतीय जनता पार्टी, कभी यहाँ के लोगों के हित करना चाहा ही नहीं, न किसानों के, न आदिवासियों के, न अनुसूचित जाति के, न युवाओं के, न बच्चों के, न महिलाओं के, किसी का भला नहीं करना चाहे। 15 साल में हमने देख लिया है। और अब वो सीधा नहीं लड़के इस प्रकार से अपने एजेंडा एजेंडा वो लागू करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सारे सार्वजनिक उपलब्ध बेच दिए हैं। भाई 35 ट्रेन बंद हुआ और वो हमेशा के लिए भी बंद हो गया तो वहाँ के कर्मचारी, वहाँ गार्ड, क्लीनर सारे लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे। और एक ठोक ट्रेन चला दिए 35 बंद करके, तो कर्मचारी लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो उसमें ये लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट बेच दे, वहाँ यदि कर्मचारी होते तो इसका लाभ मिलता कि नहीं मिलता। चीन सहित दूसरे देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व डरा हुआ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अलर्ट पर है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने देव का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट BF7 अभी छत्तीसगढ़ में आया नहीं है, इसके बावजूद संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मॉकड्रिल कर स्वास्थ्य संसाधनों को जांचा जा रहा है ताकि संक्रमण फैले तो संक्रमण को रोका जा सके। संभावनाएं चीन में बड़ी संख्या में केसेस के पाए जाने के कारण सभी जगह लोग सतर्क हो गए हैं, और चीन के साथ जापान में, साउथ कोरिया में, सिंगापुर में, हांगकांग में और ब्राज़ील में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, ये सारे देशों में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ताकि लोगों की सोच में ये बात रहे हमेशा कि कोरोना एक वायरस है जो कभी आने वाले दशकों में जाने वाला नहीं है, ये हमारे बीच में है, एक वायरस के रूप में ये विद्यमान है। चिंता इस बात की रहती है कि ये म्यूटेशन कोई ऐसा स्वरूप ना ले ले कि बीमारी घातक स्वरूप में सामने आ जाए। हजारों म्यूटेशन इसके हो चुके हैं, 14-15-16 हज़ार म्यूटेशन इसके वैज्ञानिक जाँच कर चुके हैं, देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। राजधानी रायपुर में स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राजीव भवन में झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश कार्यालय में झंडा फहराया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आज 138वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जिन उद्देश्यों के साथ कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी उसमें कांग्रेस पार्टी सफल हुई। आजादी के बाद देश के नव निर्माण, देश के विकास में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रहा है। का 138वां स्थापना दिवस है। आज़ादी के पहले 28 दिसंबर 1885 में
कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी उन उद्देश्यों में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। आज़ादी के पहले हमारे महान नेताओं ने, जो कभी कहा जाता है अंग्रेजों का राज विश्व में कभी अस्त नहीं होता था, उस राज को भी आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में, देश के विकास में, देश के प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। देश की एकता, देश में भाईचारा, देश में बंधुत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी रही है और आज उन उद्देश्यों में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को मॉकड्रिल करने के निर्देश दिए गए थे, जिसको देखते हुए सरगुजा जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी मॉकड्रिल किया गया। इसी क्रम में सरगुजा के अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मॉकड्रिल किया गया। इस दौरान सरगुजा कलेक्ट्रेट कुंदन कुमार मेडिकल कॉलेज के डीन रमणेश मूर्ति सहित स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट ने बताया कि बंद पड़े कोविड रूम को साफ सफाई कर अपडेट कर दिया गया है, जिससे किसी भी कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए पहले तैयार हो सके। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को अप टू डेट कर दिया गया है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी का सामना किसी भी तरीके से नहीं करना पड़े। शासन के निर्देश के बाद जो है मॉक ड्रिल की तैयारी जिला अस्पताल में देखा गया और इसमें पेशेंट के एंट्री से लेके पेशेंट की सारी टेस्ट और उसमें उसकी टेस्ट करने के बाद उसको कोविड वार्ड में कैसे लेके जाना है, सारे को लाइव यहाँ पे देखा गया। और इसके अलावा जो है हॉस्पिटल प्रबंधन ने हम लोगों को ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की फंक्शनैलिटी चेक करके सब सामने दिखाया गया, सभी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने भी PSA प्लांट जहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है उसको भी देखने का प्रयास किया, वो भी वर्किंग है। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बदस्तूर जारी है, कहीं कोई इशू नहीं है। अभी थोड़ा सा जो कि ऐसे कोविड का कोई ऐसा कोई संक्रमण फैला नहीं है, स्थिति बहुत ही सामान्य है, ये सिर्फ जो इसका जो उद्देश्य है लोगों को सेंसिटाइज करना है। सरगुजा संभाग के 4000 से अधिक विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति के लोगों ने 9 से उत्तरीय मांगों को लेकर कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया, साथ ही राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल सरगुजा संभाग के विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों ने हजारों की संख्या में अंबिकापुर के PG कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं, साथ ही अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जिसमें पंडो और परिहराहा जाति को एक किए जाने की मांग रखी गई। साथ ही मांगे पूरी न होने पर 15 फरवरी से हर विकास खंड क्षेत्र में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। मैं उदय कुमार पंडो, प्रदेश अध्यक्ष BSHPC जनजाति एवं सह सचिव पंडो समाज, परहिया पंडो, परहिया भुहार मामला को लेकर हम आज ज्ञापन सौंपे हैं। संभाग स्तर पंडो समाज है जी। कहाँ कहाँ से आए थे और कितने वर्षों से आप लोगों की मांग, समस्या क्या हो रही है? ये हमारा जो पंडो जो है संभाग में अभी गोरिया में, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा में निवासरत है। बलरामपुर में पंडो का उपजाति परहिया होता है, जो कुरी टोटम होता है, और बहुत पहले ही हमारा सेटलमेंट में तीन गांव के सेटलमेंट का पंडो का काट के परहिया बनाया गया, जबकि सरनेम में था और उनका अभी 54 में अधिकार अभिलेख में पंडो निकलता है। और अभी फिलहाल में दो जन का पंडो लिखा था 1944-54 अधिकार अभिलेख में, 19 में उसका सत्यापित निकाला गया पंडो लिखा था और अभी वो परहिया कर दिया गया। मोदी जी, हम लोग पंडो परहिया ये करने के लिए 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। पंडो समाज का प्रांतीय सचिव हूँ। हमारा मुख्य तौर से जाति वाला मुद्दा है और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको शासकीय योजनाओं को, जो छात्रवृत्ति जैसे हैं, पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य है, उससे भी वंचित हो रहे हैं, आगे नौकरी पेशा से भी वंचित हो रहे हैं। और हमारा जो विभिन्न प्रकार के वनाधिकार पट्टा हैं या एट्रोसिटी एक्ट मामला, जो पिछले बार आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, सनावल में चेरा जो ग्राम है वहाँ से 8 पंडो लोगों को पेड़ में सटा के मारा गया था। उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, उनको पंडो नहीं हो, उनका सेटलमेंट नहीं होने के कारण उनको आज भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया। ये जो परहिया और पंडो जो रिकॉर्ड में काट छाट किए हैं उसके संबंध में ज्ञापन सौंपे हैं, हम संबंधित जिसके लिए ये लोग ज्ञापन दिए हैं संबंधित को हम भेजेंगे। और कुछ खून की कमी की भी बात कर रहे थे कि सड़क खून की कमी की बात कर रहे थे, ये तो अपने को नॉलेज में नहीं है।
रायगढ़ में कुएं में गिरने से एक जंगली भालू की मौत हो गई। बता दें कि धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया के घर के आंगन में स्थित कुएं में एक भालू गिर गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। कुएं में भालू गिरने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम के देर से पहुंचने के कारण भालू की मौत हुई है। से है जहां कुएं में भालू के गिरने से मौत हो गई। देर से पहुंची वन विभाग की टीम की वजह से भालू की मौत हो गई। आपको बता दें कि रायगढ़ के देर से पहुंचने से वन विभाग की टीम की मौत हो गई। देर से पहुंचने की वजह से भालू की मौत हो गई। महासमुंद के सरायपाली एसडीएम हेमंत रमेश नंदवार द्वारा रेत के अवैध खनन और भंडारण पर लगातार छापेमारी की कार्यवाही चल रही है, जिसको लेकर अवैध रेत माफियाओं से हड़कंप मचा हुआ है। सरायपाली एसडीएम की ओर से एक और ठेकेदार रानू सिंह के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में खनन में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया है। एसडीएम का कहना है कि आगे भी माइनिंग और पुलिस विभाग और राजस्व के विभाग की टीम के द्वारा इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।